प्रणाम सुरेंद्र मैथानी, आपके आशीर्वाद के कारण विधायक गोविंद नगर विधानसभा कानपुर। यह कानपुर शहर हसरत मोहानी के नाम से जाने जाने वाला, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाने जाने वाला यह शहर, पूरा गोविंद नगर विधानसभा के साथ पूरा कानपुर महानगर अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। वैसे भी हमारी सरकार ने लगातार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय और एकात्म मानववाद के आधार पर अपनी सरकार को गरीबों को समर्पित करने का काम किया है। कोई भी धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी का व्यक्ति हो, कहीं पर भी कोई शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए तमाम योजनाएं, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, श्रमिक हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं देने का काम किया है, जिसके आधार पर स्वरोजगार हो या रोजगार का विषय हो, रोजगार मेला के माध्यम से हो या आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से हो, और चाहे श्रमिकों को हर माह जो हम लोगों के यहाँ से सरकार के द्वारा जो पैसा ट्रांसफर किया गया उसके माध्यम से हो, और चाहे राशन के वितरण के माध्यम से हो, तमाम योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। मैं एक अपील आपसे और करना चाहता हूं कि इस समय जिस प्रकार से वैश्विक महामारी फिर से दस्तक दे रही है, हम सब लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंस जरूर मनाएं कि हमको सोशल डिस्टेंस हमारे बीच में बना रहे, कि जब हमारा जीवन बचेगा तो हमारे परिवार का जीवन बचेगा, हमारे क्षेत्र का जीवन बचेगा, हमारे शहर, प्रदेश और देश का जीवन बचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रिय सुरेंद्र मैथानी, आपके आशीर्वाद के कारण विधायक गोविंद नगर विधानसभा। गंगे मम हृदय तव भक्ति, गंगे मम प्राणे तव शक्ति, नमामि गंगे, नमामि गंगे, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। सुरेंद्र मैथानी, आपके आशीर्वाद के कारण विधायक गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर। वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर राम राज की संकल्पना के साथ लगातार हम सब लोग अपने परिवार विचार के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस राष्ट्र के प्रति हमारी भावना, राष्ट्र प्रेम, हमारा अंत्योदय और एकात्म मानववाद को लगातार आगे बढ़ाने का काम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपनी सरकार, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लगातार हमारे विचार परिवार की उस सोच के आधार पर कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार समर्पित होती हुई उसको लाभान्वित करे, और उस लाभान्वित के अधिकार पर और उसके आधार पर उस व्यक्ति का भी भारत माता की जय में उसका योगदान रहे, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित हमारी सरकार लोगों को समर्पित होती हुई, और हम उनके सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते से जनता के लिए वो सारी योजनाओं का, वो सारी जन कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित कराना, आप सभी लोगों को उससे लाभ से जोड़ना, ये सब हम लोग समाज में आप सबके लिए लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके श्रेणी में अगर हम जाएं तो डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चार चार पुलों का इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में संतुति होना, दादानगर पुल 67 करोड़ रुपए का पुल, और पनकी पावर प्रोजेक्ट से लगे हुए 2 पुलों का 37 करोड़ रुपए के पुल, और तीसरा चौथा अरमापुर पुल जो 4 वर्षों से पड़ा था, रुका हुआ, उसको बनवाने का काम, और तमाम सड़कों को बनवाने का काम, जिसमें लगभग मैं अगर ठीक आंकड़े को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो लगता मुझे कि 72 करोड़ के आसपास टोटल सड़क, नाली, खड़ंजा और डेवलपमेंट के काम हमारे इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से कराने में आपके उस आशीर्वाद के कारण से सफलता प्राप्त हुई है, जो आपने संवैधानिक शक्ति के रूप में अपना आशीर्वाद देकर के विधायक के रूप में हमें स्थापित किया है। मेरा मानना है कि एक विधायक
के रूप में जब आपने मुझको आशीर्वाद दिया है तो उस संवैधानिक अधिकार के कारण से आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करना, लाभ पहुंचाना, सुख दुख में खड़े रहना और आप सब लोगों के लिए उस संवैधानिक अधिकार के कारण से ज्यादा डेवलपमेंट की और कल्याणकारी नीतियों को आप तक पहुंचा करके आपको लाभान्वित कराना, ये मेरा उद्देश्य है। आप सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामना अपनी तरफ से प्रेषित करना चाहता हूं, अपने सरकार की तरफ से माननीय योगी मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की भी आरोग्य को लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आप सबके लिए जगह जगह कैंपों के माध्यम से आप सबको लाभान्वित भी कराने का काम कर रहे हैं। आपका ये सेवक आपके लिए 24 घंटे तत्पर है। केवल आप अपनी सूचना भी अगर हम तक पहुंचाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि जो आपने अपना आशीर्वाद वोट के रूप में अपने इस विधायक को देकर के और इस संवैधानिक अधिकार को देने का काम किया है, उस आधार पर आपके उस ऋण को मैं कभी उतरने नहीं दूंगा, बल्कि उसके भारी ब्याज के रूप में आपकी सेवा करके उसको पूरा करने का काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी सरकार की बोलती तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों में योगी सरकार के विकास की कहानी। महिला सुरक्षा से लेकर योगी की शिक्षा मॉडल तक, हेल्थ से लेकर योगी सरकार के विकास मॉडल की ये झलक है। 4 साल में चहुमुखी विकास की चमकती तस्वीर ऐसे ही नहीं आई, इस मुकाम को दृढ़ संकल्प और लगातार संघर्ष से हासिल किया गया है। सड़क, कोई देश या राज्य तभी विकास के मार्ग पर दौड़ सकता है जब वहां की सड़कें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले 4 साल में सड़कों का जाल बिछाने में लगा रहा और उसी का नतीजा है कि आज आपके पास 5 से ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, तो जिलों को जोड़ने वाले हाईवे भी। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन, टीचर और पुलिस में भारी पैमाने पर भर्तियां, दिमागी बुखार पर नियंत्रण, 95% मौत की दर कम हुई, 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक, 79 ITI और 248 इंटर कॉलेज बनाए, 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटी, 51 राजकीय महाविद्यालय और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 135,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया। जोश है नया कम, नए सफर पर निकल पड़े हम। हमें दुनिया पर जाना है, ये विजय का सिलसिला यूं ही बढ़े। भारत से नया जमाना है, हम न्यू इंडिया है बने खड़े। विकास बढ़ता ही जाए, फैसला करना है सपनों को, है पंख मिले और भी ऊंचा उड़ना है। है टूटी, सच्चा
मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल खंड में पहली बार इस उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सदन में माननीय सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने उन पूर्वजों को कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वंशज होने के नाते से अंत्योदय के आधार पर, एकात्म मानववाद के आधार पर हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होने वाली सरकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन पूर्वज को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने तमाम भौतिक संसाधनों को छोड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत की अखंडता और एकता के लिए अपना बलिदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे अपने पूर्वज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि जिन्होंने विपक्ष का आचरण और व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए इस देश में उसको परिभाषित करने का काम किया। मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मैं उस दल का एक कार्यकर्ता हूँ जिसके नेता ने पूरे भारत के मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया और तब पूरे विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति ने भी, ट्रंप ने भी कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। मैं ऐसे आदरणीय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रशंसा करता हूँ अपने देश के यशस्वी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित अनिल चंद्र शाह जी की कि जिन्होंने इस देश के मान को बढ़ाने का काम किया, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिन्होंने मुझको आशीर्वाद दे करके जनता के जनादेश को प्राप्त करने के लिए गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। और धन्यवाद देता हूं मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि जिन्होंने इस सदन के माध्यम से मुझको अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। पांच साल पहले देश ने देखा था एक सपना, सबके साथ ही होता हो विकास सबका अपना, चाचा भतीजा कोई नहीं बस काबिलियत से देश चले, फेक वेक फर्जी नहीं बस सच्चाई से देश बढ़े। धीरे धीरे काम न हो जो हो तेज फटाफट हो, काले धन से जंग छिड़े गरीब का बेड़ा पार हो, यही वक्त था जब हमने सूरज नया उगाया था, देश के कोने कोने में हमने कमल खिलाया था। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को शुभकामना प्रेषित करता हूं, मंगल कामना प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस चार साल को बेमिसाल बनाया है और अपनी सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आजाद इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के शासन को जनता को समर्पित करने का काम किया है, जिसके आधार पर तमाम योजनाओं की जानकारी भी और तमाम योजनाओं का सीधा लाभ हमारे उन जरूरतमंद लोगों को पात्रता के आधार पर प्राप्त हो रहा है, जो अभी तक योजनाएं केवल किताबों में रहती थी और पैसा किनकी जेबों में जाता था ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने चौतरफा विकास किया है, चारों तरफ ध्यान दिया है, चाहे कोरोना पीरियड हो, मुझे ध्यान है ठीक प्रकार से कि रात में 12-12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आना कि एक भी व्यक्ति विधानसभा के अंतर्गत कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और मुझे धन्यवाद देता हूं अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को कि जिनके सहयोग से 13-13 योगी मोदी रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया और सारी चीजें, चाहे दवा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे चप्पल हो, सारी सेवाओं को करने का भरसक प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की भी खुशी और संतोष है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और योगी जी और मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राशन के खाद्यान्न को खोल करके उन्होंने मुफ्त राशन दे करके लोगों को उस कालखंड से भी बचाने का काम किया जो सर्वाधिक कष्टदायक कोरोना के रूप में था। कोरोना के ही उस कालखंड में
योगी जी ने तमाम व्यवस्थाओं को साथ साथ संचालित किया। एक तरफ कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, तो दूसरी तरफ जनता को राहत देने में, चाहे मेडिकल की सुविधा हो और चाहे भोजन की सुविधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की योजनाओं की सुविधा हो, वो भी साथ साथ उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से समर्पित करते हुए उस कालखंड को पार किया। मैं अगर आप सब लोगों के आशीर्वाद की बात करूं तो इस चार वर्ष में तो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। अभी भी बहुत सारे काम मन में हैं कि ये होने चाहिए और उनको भी सफलतापूर्वक पूर्ण कराने का काम आपके आशीर्वाद से पूर्ण करूंगा। महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बर्रा, बुजैनी, दादानगर, पंकी, शास्त्री नगर, विजयनगर, मसवानपुर सहित 15 वार्डों में हमारी सरकार ने वैसे बहुत काम किया है, पर जो विकास की सीमा है उसका कोई अंत नहीं है। अभी भी और आवश्यकता होगी और काफ़ी चीज़ें भी अभी ऐसे जिनकी प्रबल आवश्यकता जनता को है, इनमें सीवर और पेयजल की और सुदृढ़ व्यवस्था हो, इसकी मैं आपके पीठ के माध्यम से कृपा करने का आग्रह करता हूँ। हमारे इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश की छठ मैया का सबसे बड़ा पूजन हमारी विधानसभा क्षेत्र में होता है और उससे एक नहर लगभग 3 किलोमीटर की एक नहर कच्ची जाती है, जिसके दोनों तरफ हम महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं और वो नहर को पहली बार हमारी सरकार ने जब साफ कराया तो ठीक प्रकार से पूजन तो हुआ, परंतु वो नहर से चूंकि 150-150 किलोमीटर दूर तक किसानों के तेल तक पानी पहुंचता है, इसलिए उस नहर को पक्की करना आवश्यक है। उसके पानी के फोर्स से आसपास रहने वाले लगभग 20,000 लोग अक्सर नहर के कट जाने से बाढ़ जैसे दृश्य से और एक खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं, उससे निजात का मैं आपसे निजात दिलाने की कृपा करता हूँ। हमारी विधानसभा में ही सटा हुआ पंकी गौशाला एक संस्था है जहाँ पे गौवंशों का संरक्षण होता है और 1,000 गाय हमारे गौवंश वहाँ पर पलते हैं। उसकी बहुत सारी जमीनें पिछले समय में, मैं किसी सरकार या किसी व्यक्ति के प्रभाव की बात नहीं यहाँ पे करता, लेकिन पिछले समय पर कुछ लोगों ने उस जमीनों पर काफ़ी कब्जा करके किसी ने होटल और किसी ने दुकान और किसी ने शोरूम बना दिया है, तो मैं आपसे के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया उसकी पैमाइश वगैरह करा करके और उन लोगों से गौशाला के गौवंश के संचालन के लिए उस जमीन को मुक्त कराने की कृपा करें। महोदय, पिछले 15 वर्षों से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास मसवानपुर वाली एक सड़क है जो 15 वर्षों से कभी ध्यान नहीं दी गई और उसको नहीं बनाया गया। मेरा आग्रह है, क्योंकि उस सड़क से काफ़ी लोग, लगभग 1,00,000 लोग लाभान्वित होते हैं, बच्चों की स्कूल जाने के रिक्शे भी वहाँ पर पलट जाते हैं, पूरी विधानसभा में मात्र एक ये सड़क ऐसी है कि जिसके बनने जनता के हित में, मरीजों के हित में, बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में वो बननी अति आवश्यक है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इस पर कृपा हो जाए। महोदय, हमारे विधानसभा में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है और मैं वहाँ पर 42 साल अपने जीवन का व्यतीत करके और इस सदन में आया हूँ। मैं वहाँ के कष्ट को जानता हूँ, वहाँ के दर्द को जानता हूँ। उस कॉलोनी में काफ़ी लोग जिनके पास किसी प्रकार से जीवन यापन करने की मात्र क्षमता है वो उस कॉलोनी में निवास करते हैं। इसके स्वामित्व का मामला लंबे समय से यहाँ अटका हुआ है, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये स्वामित्व उन्हीं को दे दिया जाए, जिससे श्रमिक कॉलोनी वाले भी जो जीवन भर से वहाँ रह रहे हैं उनको भी इस पर राहत मिले। राम राज्य सिर्फ परिकल्पना नहीं बल्कि एक संकल्प है, वह प्रशासन, वह सत्ता जहां हर किसी की सुनी जाए, सबको अवसर मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, यही तो है राम राज्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और अंत्योदय की परिकल्पना प्रत्येक क्षण साकार करने का काम किया है। राम राज्य के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कानपुर महानगर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक आदरणीय सुरेंद्र मैथानी ने जन जन से खुला संवाद प्रारंभ किया। जनता दरबार के माध्यम से उन लोगों को सुना गया और उनके लिए किया जिनका
कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे आदमी साहब हम भक्ति के बच्चे हमारे दुखी करें, हमारे दोनों बच्चे अधिकारी वही जी वही कहते सर लोगों को इतनी दिक्कत होती थी, पैदल भी नहीं चल सकते थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। आज विधायक जी की कृपा से यहाँ पे रोड भी और चारों तरफ रोड और नाली सभी का विकास हुआ है। हम इनके कार्य से बहुत खुश हैं और हमारे मोहल्ले में भी सभी बहुत तरीके से खुश हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा और राष्ट्रीय विचारों को मजबूती प्रदान करने वाले सुरेंद्र मैथानी ने कई वर्षों तक पार्टी सेवक के रूप में जनसेवा को समझा और किया। आज जब वो विधायक हैं, तो उनका मानना है कि गोविंद नगर के हर समाज का व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है और गोविंद नगर को वो पूर्ण समर्पित है। यही वजह है कि वो जनता दरबार में एक एक व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं। हमारे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, विकास के लिए परम लगातार वो दौड़ते रहते हैं और सभी विभागों से विकास कार्य लगातार वो करा रहे हैं। अच्छा, पिछले साल कोरोना काल की निधि उनको न प्राप्त होने के कारण भी नगर निगम या अन्य विभागों से वो उन्होंने विकास कार्य कराए हुए हैं और लगातार करा भी रहे हैं और कार्य रहा 4 साल और बनाम 1.5 साल के कार्यकाल का। तो विकास कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, सांसद हो या विधायक हो, लगातार विकास करा रहे हैं। हम लोग संगठन की व्यवस्था में हैं, इसलिए हम लोग क्षेत्र की जन समस्याएं लेके आते हैं विधायक तक, वो विधायक को देते हैं, विधायक अपना सभी विभागों से वार्ता करके कार्य करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको विधायक जी की? सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सर्व सुलभ क्षेत्र में सर्वव्यापी व्यवस्था में सब में मिलन कार्यक्रम और वर्तमान स्थिति में कार्यालय में बैठ के सामान्य व्यवस्था में आम जनता की बात को सुनना, उनका कार्य करवाना। विधायक जी के द्वारा जो भी काम हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, नेक हुए हैं और आज जो हम लोग हैं खुशहाल हैं, मुनि की देन है। पहले हम लोग बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशानी में थे, यहाँ कीचड़ भर जाता था, पानी भर जाता था, उससे हम लोगों को उन्होंने मुक्त कराया है। ये गलियाँ बनाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, सभी अच्छा काम किया है। हमेशा वो खुश रहें और हम लोगों के सरपरस्त बने रहें, यही हम चाहते हैं। आपने 25 नवंबर 2019 को विधानसभा की शपथ दिलाने का काम आपने अपने वोट के आधार पे, आशीर्वाद के आधार पे कराया। मार्च 2020 में कोरोना लगा, यानी कुल मिलाकर 5 माह केवल विधायकी के काम को करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना काल खंड में विधायक निधि और डेवलपमेंट का जो पैसा था वो लोगों के स्वास्थ्य में लगने के कारण से लैप्स हुआ और उसके बाद अब पुनः उस पर फिर से डेवलपमेंट के कामों को प्रारंभ हुआ। पर मुझे धन्यवाद इसलिए भी देना है आपकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उस कालखंड में भी जो योजनाएं आप सबके लिए मैंने आग्रह किया, हमारी सरकार ने उसको गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया। और इसी सेवा के कालखंड में 3.5 महीना मैं भी ग्रसित होकर के कोरोना से और जिंदगी और मौत से जूझता हुआ आपके आशीर्वाद के कारण से दोबारा आपकी सेवा के लिए ईश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त कर आपके बीच में फिर से उसी गति से काम कर रहा हूं। ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। आप गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के इस आशीर्वाद के कारण से ही मेरा मानना है कि जो और भी अभी मेरे मन में है और बहुत सारी लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनको मैं पूरा कर सकूं, ऐसा आपका आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। क्योंकि राम काज कीने बिना मोहे कहां विसना, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, लगातार रहूंगा, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस विश्वास के साथ आपको पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।